मिलिए जम्मू कश्मीर की इस जापास बेटी से, जिनका नाम है सोलिहा जहूर। इनका सपना है ओलंपिक में अपने देश का नाम रोशन करने का। सोलिहा गांदरबल की रहने वाली हैं और 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। बचपन में सोलिहा की निगाहें अपने भाई की साइकिल को निहारती और सोचती कि क्या मैं भी उसे इतनी आसानी से चला पाऊंगी जितनी आसानी से मेरा भाई इस साइकिल को चलाता है। फिर एक वक्त आया जब सोलिहा ने अपने भाई की मदद से साइकिल चलाना सीखा। साइकिल चलाने में उनकी दिलचस्पी लगातार बढ़ती गई। फिलहाल सोलिहा साइकिल प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने खेल का प्रदर्शन करती हैं। मेरा जो ये अभी साइकिलिंग का पैशन है, ये मेरा बचपन से ही स्टार्ट हो गया। पहले बचपन से ही मेरा बहुत ही ज़्यादा शौक था साइकिलिंग करने का, तो मेरी जो साइकिलिंग है वो घर से ही स्टार्ट हो गई। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कितना फ्यूचर है? इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। ये इंसान को अपने तक डिपेंड है किधर तक जा सकता है। जैसे कि मेरी एम है ओलंपिक्स तक जाने का इंशाल्लाह। शुरुआती दौर में घर वालों का समर्थन उनके साथ नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि सोलिहा पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन उनके बेहतरीन प्रदर्शन और जज्बे को देखते हुए उसे साइकिल रेसिंग में भाग लेने का परिवार वालों ने उसे मौका दिया। इतना ही नहीं, सोलिहा के पिता ने उन्हें साइकिल भी लेकर दी। मेरी प्रैक्टिसिंग यही रहती है कि जब मैं सुबह 5 पे उठती हूँ, नमाज ख़त्म करके मैं साइकिलिंग के लिए जाती हूँ। वहाँ से मैं आती हूँ, फिर स्कूलिंग का भी होता है, स्कूल में जाती हूँ, तो वहाँ से आके मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, स्टडी करती हूँ, फिर अगर मुझे टाइम आएगा शाम को फिर मैं साइकिलिंग के लिए जाती हूँ। वरना जो ये प्रैक्टिसिंग का सिलसिला रहता है वो सुबह के ही टाइम रहता है। साइकिलिंग का शौक असल में मुझे पहले, मतलब जब बाइक को पहले साइकिल आया, मैंने सोचा कि मतलब जैसे हर कोई मतलब बाइक गाड़ी वाड़ी चलाता है, मैं भी चला सकती हूँ ऐसे कुछ। मतलब पहले तो मैं नहीं चला सकती थी गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मैंने ट्राई किया ये साइकिल। पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा गिर गई, मुझे लगी भी है बहुत, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई की, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने की। अब इनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना है, जहां उनका ओलंपिक तक पहुंचने का सपना पूरा हो सके। अपने सपने को पूरा करने के लिए वह अधिक से अधिक साइकिल चलाती हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा ध्यान केंद्रित कर रही हैं। बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, लाइक पहले वॉइस फॉर पीस में हमारा ये था, जो कि आज जो रेस थी, तो उससे पहले भी इन्होंने 1 ईयर पहले ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। उस दिन भी मैंने पार्टिसिपेशन उसमें की थी, लेकिन उस दिन मैंने 2nd पोजीशन लाई थी। तो उसके बाद मतलब ऐसे ही मैं मतलब प्रैक्टिस करती 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 गई, तो उसके बाद हमारा रिसेंटली जो था डिस्ट्रिक्ट था, उसमें मैंने 1st पोजीशन लाई, जो कि गांदरबल में थी। फिर उसके बाद हमारा स्टेट हुआ कि जो कि जम्मू में हुआ, उधर भी मैंने 1st पोजीशन लाई। अब इंशाल्लाह नेशनल की तैयारी हो रही है। सोलिहा लड़कियों से अनुरोध करती हैं कि वो लड़कों की तरह खुद की प्रतिभा सबके सामने रखें, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। किसी लड़की को मैदान में उतरना चाहिए। ये जो कि लोग पीछे से बातें करते हैं, इनको हमारी काबिलियत ही चुप करवाती है। और जैसे कि मेरी एम है एडवोकेट बनना, वैसे ही हर किसी लड़की की अपनी अपनी एम होनी चाहिए जी। और जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा सुसाइडिकल केसेस हो रहे हैं, डिप्रेशन, एनजाइटी, अगर आप साइकिलिंग में जाते हो तो इससे क्या आप रहते हो, इससे आप मेंटली भी ठीक रहते हो और फिजिकली भी। यस।